ज्योतिष शास्त्र में बनने वाला केंद्र त्रिकोण राजयोग इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल धनवेस्ट ऑनलाइन के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र में जिनकी आस्था होती है, ज्योतिष शास्त्र में जो लोग बिलीव करते हैं, ज्योतिष शास्त्र का जिनके पास ज्ञान होता है, हमेशा ज्योतिषी के पास कंसल्टिंग जो करवाते हैं, वह सारे ही लोग अक्सर ज्योतिष शास्त्र में बनने वाले शुभ तथा अशुभ योगों के विषय में चर्चा करते रहते हैं। तो इसलिए शुभ तथा अशुभ योगों की श्रृंखला आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। ज्योतिष शास्त्र में कई सारे शुभ तथा अशुभ योग बनते हैं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल धनवेस्ट ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के राजयोग, यह प्लेलिस्ट में आपको शुभ योग की सारी माहिती मिल पाएगी। दुर्योग, यह प्लेलिस्ट में आपको अशुभ योग की संपूर्ण माहिती प्राप्त हो सकेगी। तो सारे ही वीडियोस देख करके संपूर्ण माहिती आप प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग की चर्चा शुरू करें उससे पहले एक और महत्वपूर्ण माहिती आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे सरकारी नौकरी, करियर, कालसर्प दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, विवाह, प्रेम विवाह, प्रत्येक लग्न तथा प्रत्येक राशि के ऊपर विस्तार से चर्चा, ज्योतिष शास्त्र और आपका स्वास्थ्य, ग्रहों को बलवान करने के उपाय, जैसे अलग अलग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमेशा हमारी चर्चा होती रहती है। इसी यूट्यूब चैनल धनवेस्ट ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में जाकर के सारे ही प्लेलिस्ट में संपूर्ण महत्वपूर्ण माहिती आप देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो अपने स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। कोई सुझाव देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर जीवन की किसी समस्या में फंसे हुए हैं, रास्ता नहीं मिला, उपाय नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, तुरंत से हमसे जुड़े। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी परिस्थिति, आपकी परेशानी का सरल समाधान आपको दिया जाए। संपर्क करने के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, फ़ोन कॉल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए केंद्र त्रिकोण राजयोग इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन अथवा टैबलेट अथवा तो कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी में भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करिए। उसमें अपनी बर्थ डिटेल यानी कि जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जब आप डालेंगे तब आपके सामने कुछ ऐसी स्थिति बन करके आ जाएगी, ऐसी कोई कुंडली बन करके आ जाएगी। वहाँ पर शायद D1 चार्ट लिखा हो, लग्न कुंडली लिखा हो, जन्म कुंडली लिखा हो, बर्थ चार्ट लिखा हो, यह सारी ही स्थिति हो सकती है। जो आज मैं आपको स्थिति बताने जा रहा हूँ, मुख्यत्वे हमें D1 चार्ट यानी कि जन्म कुंडली, चलित कुंडली, चलित चार्ट और मून चार्ट यानी कि चंद्र कुंडली, इन तीनों ही कुंडली में यह स्थिति हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे घटित होता है, उसका लाभ गैर लाभ यानी कि उसका फलादेश क्या होता है, इन सभी विषयों पर चर्चा हम करेंगे। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। उस चार्ट में 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हुए हैं, राशियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके अधिपति ग्रहों के नाम भी लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि आपके सामने यह चार्ट आ गया, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं अथवा तो पेन कॉपी से कहीं पर लिख करके भी रख सकते हैं। यह सारी मूलभूत बातें थी। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता कैसे है, यह पहले तो हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि उसके नियम क्या होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में फर्स्ट हाउस, इसे केंद्र तथा त्रिकोण दोनों ही कहा जाता है, केंद्र तथा त्रिकोण दोनों ही इसे कहा जाएगा। इसे केंद्र स्थान कहते हैं जो कि फोर्थ हाउस होता है। सेवेंथ हाउस को भी केंद्र स्थान कहा जाएगा, टेंथ हाउस को भी केंद्र का स्थान कहा जाएगा, नाइन्थ हाउस को त्रिकोण का स्थान कहा जाएगा और फिफ्थ हाउस को भी त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। यानी कि यह भी फिफ्थ हाउस भी त्रिकोण का स्थान कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि फर्स्ट हाउस जो होता है वह केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है, बाकी के 10, 7 और 4 ये जो चार स्थान होते हैं यह केंद्र के स्थान होते हैं,
फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ, ये तीनों ही त्रिकोण के स्थान होते हैं। अब हमें यह माहिती प्राप्त करनी है कि आपके फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ, इन छह स्थानों के अधिपति कौन कौन से ग्रह बनते हैं। जो मैंने पहले चार्ट बताया था, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताया था, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके इन छह स्थान के अधिपति कौन कौन से ग्रह बन रहे हैं। यानी कि आपको यह माहिती प्राप्त करनी है कि आपके इन छह स्थानों के अधिपति कौन कौन से ग्रह बन रहे हैं। अगर इन छह स्थानों के अधिपति इन्हीं छह स्थान में साथ में बैठ जाए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली का एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ पर एक नंबर लिखाएगा यानी कि मंगल देव की राशि बनेगी, यहाँ पाँच नंबर लिखेगा सूर्य नारायण की राशि बनी, और यहाँ पर नौ नंबर यानी कि गुरुदेव की राशि बनी। अथवा सूर्य और मंगल की युति हो जाए, यानी कि किसी भी प्रकार से केंद्र और त्रिकोण के जो भी स्वामी होते हैं उनकी युति, युति का मतलब हुआ साथ में बैठना, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हों, और वह इन्हीं छह स्थान में अगर बैठते हैं तब केंद्र त्रिकोण राजयोग जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली तथा चलित कुंडली में घटित हो जाता है। अब यह मात्रा आपने देख लिया कि आपके छह स्थान में से किसी दो स्थान की अधिपति केंद्र अथवा त्रिकोण में ही युति में साथ में बैठे हुए हैं और आप खुश हो गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई भी होती है। कंडीशन कौन कौन सी अप्लाई होती है कि वह ग्रह कितना बलवान है, कि अगर वह ग्रह दोनों ही समझ लीजिए कि कमज़ोर अथवा तो पीड़ित अवस्था के हो गए, तब हमें जो फल मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वह बिल्कुल कम हो जाएगा। मान लीजिए कि इन्हीं छह स्थानों के अधिपति साथ में तो बैठे हैं, लेकिन कोई एक ग्रह नीच राशि का है, दूसरा ग्रह खराब स्थिति में बैठा हुआ है, पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार से पीड़ित अथवा तो कमज़ोर अवस्था के ग्रह बन रहे हैं, तब हमें फलादेश में बहुत ज़्यादा फल लाभ मिलता हुआ ना दिखे, ऐसा भी संभव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पीड़ित, कमज़ोर, बलवान अवस्था के ग्रहों की, यानी कि ग्रहों की तीन अवस्थाएं होती हैं, बलवान भी होता है, कमज़ोर भी होता है, पीड़ित भी होता है। ये तीनों ही वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन चैनल के प्लेलिस्ट विभाग में ग्रहों से जुड़ी जानकारी इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तीनों ही वीडियोज़ आप देख करके माहिती प्राप्त कर पाएंगे कि आपके ग्रह की जो युति बनी हुई है, जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, उसकी क्या स्थिति बन रही है। अब मैं फलादेश की बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि बलवान अवस्था का बन रहा है दोनों ही ग्रह, तो वो सुपर पावरफुल हो जाएगा, यानी कि आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, 90 out of 100 आपको फल मिले, आपको लाभ मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर वहाँ पर मान लीजिए कि कमज़ोर अवस्था का है, यानी कि उसे बलवान किया जा सकता है, उसके उपाय भी होते हैं, उपाय करके उसे बलवान कर दिया, तब हमें उसका श्रेष्ठ लाभ मिल सकता है, यानी कि उसका हमें 75-80% राउंड अबाउट 70% उसका लाभ मिल सकता है। अगर वह पीड़ित अवस्था का हो गया तो बिलो 50% उसका हमें लाभ मिले, ऐसी स्थिति हो सकती है। राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपके सर पर मुकुट सजेगा और आप कहीं सिंहासन पर बैठेंगे, नहीं। राजयोग का मतलब यह होता है कि आपके जीवन में आ रही परिस्थिति, कठिनाइयाँ, विपरीत परिस्थितियाँ कम होगी और आप जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें कम आएंगी, अथवा तो अगर आएंगी भी तो आपके पास उस कठिनाइयों का, उस परिस्थितियों का, उस परेशानियों का हल होगा, बस इतना ही होता है। मान लीजिए कि केंद्र त्रिकोण के स्वामी युति में तो बैठे हैं, लेकिन 6, 8, 12 में जाकर के बैठ गए, तब उसका फल बहुत कमज़ोर अथवा तो खराब मिलेगा, यानी कि मैंने जो बिलो 50% बताया था, लेकिन अगर वो 6th, 8th, 12th हाउस में जाकर के युति हो जाती है, तब हमें उसका नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आपके जीवन में संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाए, आपके जीवन में और भी ज़्यादा मुश्किलें आएँ, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि 6, 8 और 12 स्थान में ये दोनों ग्रह की युति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा केंद्र त्रिकोण स्थान में बनती है, 2nd, 11th हाउस में भी बनती है, तब तक वह आपके श्रेष्ठ प्रभाव देने की स्थिति बनेगी। 12th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस, इन चार स्थान को छोड़ करके बाकी के ये छह स्थान के अधिपति कहीं पर भी युति बनाते हैं, खास करके केंद्र और त्रिकोण में ही, तो आपके जीवन में सफलता के द्वार खुलते हुए आपको दिखाई देते हैं। मोटे मोटे तौर पर यह स्थिति केंद्र त्रिकोण राज्यों की होती है। अन्य राजयोग, शुभ योग, अशुभ योग, दुर्योग के विषय में हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के और भी माहिती आप प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए, नमस्कार।